हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट योर लाइफ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किन राज्यों में कितने दिन के लिए लॉकडाउन लगा है। दोस्तों, आपको बता दे, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे। दोस्तों, आपको बता दे, कोरोना के चलते फिर थमी आम जनजीवन की रफ्तार, इन राज्यों में लगाया लॉकडाउन। दोस्तों, आपको बता दे, देश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चला है। हर दिन 20,000 से अधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं। तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए देश के कई राज्यों की रफ्तार थमने लगी है। दोस्तों, आपको बता दे, गंभीर रूप से फैलते कोरोना को रोकने के लिए कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन भी लगा दिया है। आइए जानते हैं देश में कहां कहां और कितने दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई से 13 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं दोस्तों, तो बिहार की राजधानी पटना में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी देखते हुए राज्य सरकार ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों, असम सरकार ने भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गोलाघाट शहर को 8 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। 9 जुलाई शाम से 17 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की महामारी के चलते 9 जुलाई को शाम 5 बजे से 7 दिवसीय लॉकडाउन लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि 9 जुलाई को शाम 5 बजे से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू किया जाएगा। वहीं दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने भी सभी शहरी क्षेत्रों में और गंजाम के 5 ब्लॉक मुख्यालयों को 5 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के विशेषकर सीमावर्ती जिलों में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उछाल आया है। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने हर रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। और दोस्तों, इसी के साथ झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी बीच राज्य के 2 जिलों ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों पर लॉकडाउन लगा दिया है। रामगढ़ कंटेनमेंट जोन के पास के क्षेत्रों में धारा 144 लगा रखी है। वहीं दोस्तों, धारा 144 गुरुवार 9 जुलाई से आगामी 16 जुलाई 2020 तक लागू रहेगी। वहीं बात करेंगे दूसरे इलाके की, तो दोस्तों हजारीबाग जिला प्रशासन सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। 9 जुलाई से लागू धारा 144 आगामी 31 जुलाई 2020 तक जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे और उससे सटे पिंपरी चिंचवाड़ समेत जिलों के कई अन्य हिस्सों में 10 दिनों का लॉकडाउन लागू करने की तैयारी है। यह लॉकडाउन 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन 13 जुलाई की मध्य रात्रि से शुरू होगा और 23 जुलाई को खत्म होगा। और दोस्तों, वहीं बात करेंगे केरल की राजधानी की, तो दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन में ट्रिपल लॉकडाउन की तैयारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। और दोस्तों, रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।